We have the star right here. मैं अब क्या कहूँ अली जफर जी, स्टार जी, बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़ा स्टार. अब आप खोल के बैठे ना, मेरा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्टार नहीं, मैं लेजेंड हूँ, उससे बड़ा कोई. बिल्कुल. ये मुझे जरूर बताएं कि ये जो तब्दीली हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं खुद बताते खुद इसका हिस्सा हूँ अब, और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मतलब एक जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान में फिल्म बनाना, मतलब हम इंडिया का आईफा होगा तो हम उसको खड़े होके भी देखेंगे, उसके लिए हजारों लाखों डॉलर्स भी देंगे और उसको अपने चैनल पर चलाएंगे, हमारे यहाँ फिल्म लगेगी तो हम जाके टिकट भी नहीं खरीदेंगे. ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ये कितनी फिल्में बनेंगी तो ये तब्दील हो. देखिए, यह आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा. बहुत से साल ज़ाया किए इस इंडस्ट्री को तबाह करने में, तो अब इसको रिवाइव होने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. और साथ साथ जब एक इंडस्ट्री बन जाती है फिर वो इकोनॉमिक्स को खुद लीड करती है, लोगों के एटीट्यूड को, हर चीज़ को. लोग अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जाना चाहते हैं एंटरटेन होने के लिए, तो वो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए. अगर उनको वहाँ से नहीं, वहाँ से मिल रही है तो वो फिल्म देखेंगे. अगर उनको वहाँ से मिल रही है, सो व्हेन द इंडस्ट्री विल ग्रो इन इटसेल्फ, फिर इंडस्ट्री स्टार्स बनाती है. फिर जब स्टार्स बनते हैं तो उनके साथ फिर एक बाकी के जो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, फैशन की इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं. हमारे स्टार्स कहाँ बन रहे हैं इंडिया में? अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ इसमें ये कहता हूँ कि वो स्टार्स पहले यहाँ बने, लोगों ने उनको यहाँ सराहा, पहचाना. आतिफ असलम को यहाँ, पहले वो यहाँ सिंगर बना, इज्जत मिली. फुआद खान हो गया, राहत फतेह अली हो गए. लेकिन इंडिया जाने से फिर उनका जो एक, क्योंकि वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और उसका पूरी दुनिया तक एक क्लाउड है, तो वो एक्सेंचुएट हो जाता है स्टारडम में. और फॉर सम रीज़न हमारी एक साइकी भी है कि चूँकि इंडिया में ही काम कर रहे हैं तो अब ये ज़्यादा, हमें अपने लोगों को, अपने स्टार्स को वो इज्जत देनी चाहिए, वो रुतबा देना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं. स्टार्स को भी अपनी इंडस्ट्री को इज्जत देनी चाहिए, इंडस्ट्री को इज्जत देनी चाहिए, इंडस्ट्री को अपनी इज्जत खुद पिछले दो साल से आई हैव बीन, बल्कि दो नहीं, तीन चार साल से मैं यहाँ पे फिल्म और फिल्में बनाने की तगोदो में हूँ. अब आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप भी इसमें हैं कि पाकिस्तान में कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन कोई भी अच्छा काम करना बेहद मुश्किल है. तो जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होते हैं, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो जिस तरह मैं अपना टाइम लूँगा, मैं कुछ बुरी फिल्म बनाने से बेहतर है कि मैं वेट करता रहूँगा, तो मैं राइटिंग में टाइम ले रहा हूँ. तो इस वक्त दो तीन फिल्में हैं पाकिस्तानी जो मैंने पिछले डेढ़ दो साल के अरसे में उनकी राइटिंग, उनकी प्री प्रोडक्शन, वो चीज़ें हो चुकी हैं, जो कि इंशाल्लाह इस साल के एंड से मेरी पहली. और इसके लिए मैंने, अब मैं वो नहीं कहूँगा क्योंकि वो लगेगा कि जैसा नहीं कहते थे, मैंने बड़ी कुर्बानी. नहीं, मैं एक काम मतलब मुझे अच्छे प्यारे लोग अच्छे लगते हैं, कोई मसला नहीं. मैं अच्छी प्यारी, अच्छी है, प्यारी भी है. ओके ठीक है, अली और मैं फिल्म कर रहे हैं, बस अली और मैं फिल्म कर रहे हैं, अली यहाँ साइन करते हैं. ये आप जितने भी गेस्ट आएंगे आपके प्रोग्राम में, नहीं अली, जितने आएंगे सबको नहीं. और आपके साथ मेरी एक मुलाकात हो भी चुकी है, इसलिए इसका तो एक हिस्ट्री है. अच्छा, अच्छी फिल्म पाकिस्तानी लास्ट कौन सी देखी? मैंने लास्ट ये जवानी फिल्मी है. कैसी लगी? मुझे तो बहुत मजे की लगी, मैं बहुत एंटरटेन हुआ, हंसा. And I felt के एक सिनेमा जाके जो एंटरटेनमेंट का मुझे, सी सिनेमा इज अबाउट एंटरटेनमेंट फर्स्ट. अगर मुझे कोई लेक्चर सुनना है तो मैं यूट्यूब पे भी सुन सकता हूँ, उस तरह से है. लेकिन अगर वो भी करना है, कोई बात मैसेज भी देना है, तो वो भी एक एंटरटेनिंग तरीके से होना चाहिए. इस तरह फिल्म मंसूर बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो एंटरटेनिंग एक हवाले से ग्रिपिंग फिल्में थी.